सो व्हाट्सअप गाइज होप यू आर गुड मुकर स्वागत करुच्चे मोर यूट्यूब चैनल एरुडाइट ओडिशा को। तो आज हूँ क्लास थ्री जो मिशन आम ताचे जोटा क्लास चली जो OSSSC कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन 2021 आम मैथ पढ़ाऊे। तो आज हूँ क्लास थ्री। क्लास टू में सिंप्लीफिकेसन कभर करते सिंप्लीफिकेसन गोटे पार्ट मुझे कहि पावर इंडाइसेस एंड सर्ट्स पावर जानते हो घात आ इंडाइसेस सर्ट्स जो मानक नुआ लगुच कौन से तार डेफिनेशन कहवा तापर को प्रोब्लेम सब आस सब काम तमाम करवा मैंने ये चैप्टर में टोटाल 22-23 क्वेश्चन आनी आउ आम समय मध्य सल्व करवा सबूतक आवर आउ सर्ट्स इंडाइसेस जहाँ जहाँ भी सब फर्मूला दरकार कहीदेवी तुम बुझेदेवि जिनस गुड़ा कौन ता कहला प्रोब्लेम 22-23 करेंगे एनअफ एक्जाम प्राक्ट कर पलैब आउ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए टेलीग्राम ज्वाइन कर जाओ ये कौन कौन क्वेश्चन सब दूसरी मैथ्र हो कि जिके हूँ से गुड़ा सब तुम पाखे आभेलेबुल तुम कर चैनल जो मैंने नुआ सब्सक्राइब कर दिव्य लेट नक चलो वीडियो स्टार्ट करवा। तो आज पढ़ा जेहतु पावर इंडाइसेस सर्ट्स पावर मैंने समस्त जानते हो घात आधार घात तुम सब पढ़ी थो तो बेसिकली से जिनस तो तुम जानी थो छुआ बेले पढ़ु थो गोटे आधार घात पढ़ी थो मनकर 6 to the power 2 एमती पढ़ु थो मैंने यही कहते आधार बा बेस आम यू कह 6 कह बेस ये दुई जोड़ा उपर अच्छे घात कहू पावर तो बेस पावर समस्त जानते तो यहाँ को पावर बोली ना दे तलटा को कहते बेस कहते आधार तलटा उपरटा घात कहते केमिता को आम पढ़ू ओडिया पढ़ुलु 6 6 घात 2 ओडिया पढ़ा 6 to the power 2 एमता प्रोनाउनसीएसन कर। तो देखिए से विषय कौन कौन सब अच्छी जिनस फर्मूला गुड़ा देखीद जोटा कि हेल्पफुल हम प्रोब्लेम सल्व करें। तो जदि का एक मुझर गुणी मनकर गोटे संख्या अच्छी मनकर कह एक्जामपल तीन गोटे संख्या तीन गुणन तीन गुणन तीन मैं तीन को जब तीन थर गुणी कौन हो तीन क्यूब मुझे लिखिपर मैंने 3 to the power 3 एम जदि तीन को 5 गुणी तीन गुणन तीन गुणन तीन गुणन तीन 5 गुणीदे जदि ये कौन लिखिपर 3 to the power 5 मैंने तीन रात 5 मैंने तीन को तार निज निज भर 5 गुणुच्छे तार घात 5 बोली आसूसी तार अर्थ हूँ से। तो बेसिकली ये मुझे एक नंबर फर्मूलार से डेफिनेसन लिखी गोटे संख्या मानक गोटे नंबर हूँ ए जहाँ भी हूँ से गोटे नंबर हूँ से जहाँ हूँ ताको जब आम एन टाइम्स गुणवा तो आम लिखिपर कौन ना A to the power n कौन लिखिपर ए रात हूँ एन बेस हूँ ए घात हूँ एन तो ए को 10 गुणी लिखिपर A to the power 10 सेमती ए को एन थर गुणी A to the power n तो यहाँ बेसिकली फास्ट डेफिनेशन पावर रो। नेक्स्ट देखा जब दीटा आम दीटा आधार घात को मल्टीप्लाय करवा मनकर गोटे हूँ A to the power m आ गोटे हूँ A to the power n तर देख दीटा को बेस सामान अच्छी बेस मान आधार एठे ए अच्छी एठे ए अच्छी घात कि अलग अच्छी एम आउ एन तो जदि आधार तर सामान थमें गुणवा तो आधार दुईटा को मिसीजी सरी घात दुईटा एक मिसीजी जदि आधार सामान थी तो A to the power m इंटु A to the power n के A to the power m+n से ही सेम आधार रे रातटा कौन हम गुणन बेले दुईटा को मिसीजी आधार कि कौन रुणफल सेम रेम केस से देख यही जिनसटा को लक्ष्य कर A to the power m इंटु A to the power n इंटु A to the power l देख आधार तीन टाक सामान अच्छे घात चेंज तो गुणन अच्छे जेहेतु घात तीन टाक मिसेद m+n+n बुझिपार जदि तो मुझे कह 6 to the power 3 इंटु 6 to the power 5 के हम तुम जापर कौन 6 आधार सेम रन को 5 मिसेक लिखिद 6 to the power 8 एमती तुम गुणी पार ये जदि आसा आ गोटे देख A to the power x इंटु B to the power x C to the power 1 ये देख घात गुड़ा सेम होगा उल्टाटा ये आधार सेम है कि घात अलग होता ये कौन हो तुम आधार अलग हूँ ए बी सी घात गुड़ा एक्स अच्छे से कहते गुणिया को तीन टाक यू कमी आम कौन करना तीन टाक आधार को गुणीदब ए बी सी गुणीदब पावर एक्स डिफरेन्स जापरल कौन ये आधार सेम रही घात मिसी जाऊला ये जिते बड़े घात सेम रोच आधार गुड़ा अलग था कि गुणिया कह मल्टीप्लाय करा कह आधार गुड़ा गुणी हो बी सी हो इंटू बी इंटू सी 2 to the power घात से ही एक्स ही रही तार डिवाइड केमती करा हरण जदि A to the power m हरण A to the power m थी तुम डायरेक्ट कौन लिख ये देख कौन आधार सेम अच्छी आधार सेम अच्छी गोटर घात अच्छी एम आ गोटर एन तो ये कौन कर A to the power m-n तो हर यहाँ जमी गुणन बेले मिसी जाऊ प्लस एन हरण बेले यहाँ माइनस होम टू द एम माइनस एन
एतिक कथा मन रखिलो ए फॉर्मूला डा सब नोट कर आ प्रैक्टिस कर दियो मन रखि दियो जतळ आमे गोटे पावर रो इनवर्स नबा ए टू द पावर एम रो जतळ इनवर्स नबा आमे लिखि परे ए टू द पावर एम इज इक्वल टू 1 बाय ए टू द पावर माइनस एम और जदि ए टू द पावर माइनस एम टा कोन लिखि परे आमे 1 बाय ए टू द पावर एम बुझि पारलो जतळ इनवर्स होउछि ए भली आमे लिखि परबा जेमिति कि मोटे एग्जांपल दउछि मन एठ हम लिखि परिबि जे 6 टू द पावर 7 जहा इज इक्वल टू 1 बाय केते हिजो 6 टू द पावर माइनस 7 से या ए कि नहीं मन कर हम लिखि भी 3 टू द पावर माइनस 4 जहा 1 बाय 3 टू द पावर 4 ये जदि माइनस थियो एडा खाली घात चेंज हे जियो साइन टा माइनस थिले प्लस हे जाउ छी प्लस थिले माइनस हे जाउ छी आधार सेम रहो जत इनवर्स रे हमें लिखु छी नेक्स्ट फार्मूला पाकु जिबा देखिए ए टू द पावर एम एटा कौन ए रात एम अच्छी ब्राकेट तार पावर एम ए टू द पावर एम पावर एन तो एठे कौन हम पे ना ए पावर एम इंटू एन एम एन ए दुटा को आधार सेम रो जो दुटा घात नुहे कि गुणी होगा कि तो जदि ए टू द पावर एम तार पावर एन थी घात दुटा को गुणी हो टू द पावर एम एन हो कौन हम ए टू द पावर एम तार पावर हूँ एन तार पावर एक्स तो यहाँ कौन हम ये ना तीन टाक घात गुणी हो टू द पावर आधार सेम र एम एन एक्स तीन टाक मल्टीप्लाए हो सेमती देती ए टू द एम पावर 1 बाई एन तो देख आधार सेम अच्छे ये देती तार पावर तो दुटा घात गुणी हो तो अर्थ कौन एम इंटू 1 बाई एन ए नुह कि दुटा घात गुणी हो तो अर्थ कौन ए टू द एम बाई एन बुझिपाल यहाँ बेसिक जिनस आउ कौन देखिए आगे अच्छी यहाँ गोटे कथा लक्ष्य कर ए टू द पावर एम र पावर एन एम ब्राकेट थी आज जदि किसी ब्राकेट न थी दुटाक सामान ये नॉट इक्वल टू ये अलग जिनस है केमी मुझे तुमको कहूँ देख मन कर लिखाई 6 टू द पावर 2 टू द पावर 2 अच्छे एमती अच्छे आउ गोटे अच्छे 6 टू द पावर 2 र 2 यार भैल्यू यहाँ आम केमी देख बाहर करवा या मैंने कौन यो जिनसा गईटा आम पढ़ले ना एम ब्राकेट जदि थी अर्थ कौन 6 टू द पावर 2 र 2 तो यहाँ के छर स्क्वयर 36 छर स्क्वयर 36 स्क्वयर 36 स्क्वयर के आम जाने 36 स्क्वयर हूँ 1296 ना आम जदि कहीपर यहाँ गुणी दौ 6 टू द पावर 4 हो जा 2 इंटू 2 तो 6 टू द पावर 4 भी 1296 तो यही हिसाब से यार भैल्यू के 1296 कि यार अर्थ कौन यार अर्थ हूँ 6 यहाँ तलटा हूँ कन्स्टाट ये 2 रहा हूँ 6 टू द पावर 2 टू द पावर 2 आ अर्थ या नुहे जो तुम ये दुटा को मल्टीप्लाए कर 6 टू द पावर 4 कर ये रंग हो बुझिपार तो ये जिनसाक के सामान नुह परीक्षा जितने पड़ो ब्राकेट जदि दे थोड़ी ना यहाँ रंग होदिया तुम ये जिनसटा को एमती फर्मुला पकईद जमी जदि किसी ब्राकेट नाक ये फर्मुला तुम यूज कर ना नेक्स्ट को जी ए बै बी टू द पावर एम को आम कौन लिखिपर मन कर ए बै बी एटा ये लिखी ए बै बी होल पावर जदि एम थी तुम तो लिखिपार ए टू द पावर एम बै बी टू द पावर एम सेमती जदि थी ए बी टू द पावर एम थी गुणी हो तुम कौन लिखिपर कौन लिखिपर यू कह लिखिपर कौन ना ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम बुझिपाल यहीटा को एमती लिखिपर आई जोटा हरी होदि थी डिडा को ए बै बी टू दर एम टाक ए टू दर एम बै बी टू दर एम अलग करते मुझी जदि तार इनवर्स नौला पावर टा खाली पजि सैन चेज होता नेगेटिव पॉजिटिव सेम कथा ये लिखी देख ये जिनसटा ए बै बी टू द माइनस एम जहाँ बी बै ए उल्टेदे टू द पावर एम होगा यहाँ कौन पाए ना यहाँ आ अर्थ कौन ए बै बी टू द माइनस एम मान कौन मुझे इनवर्स फर्मूला पढ़ेली ना 1 बै एट बै बी टू द पावर एम ये लिखिपर ना तो तले कौन है 1 बै ए टू द पावर एम बै बी टू द पावर एम ए बीटा उपरू पड़े कौन हो बी टू दवार एम बै ए टू दवार एम होगलानी कि अर्थ कौन ना बी बै ए पावर एम तो देख कौटू कौ जाए पड़े आसा ए बै बी टू दवार एम माइनस एम इज टू बी बै ए तो यही फर्मूला मन रख रखिपार तुम्हें आउ गोटे कथा सब मेन कथा हूँ जेकोसी नंबर रेकोसी जिनसर पावर जदि जीरो तार भैल्यू वन हो मुझे तुमको जदि 136 पावर जीरो भैल्यू के वन हजार एमती देद मन इच्छा गोटे नंबर रवर जीरो के ना 1 2x माइनस 4x प्लस 3y तार पावर 0 रो वैल्यू केते ना 1 तो जार पावर 0 तार वैल्यू केते 1 ए जिनस मन रख तापर पढ़िया हम व्हाट इज सॉर्ड एंड इंडाइसेस तो डेफिनेशन कौन ए टू द पावर 1 बाय एन गोटे फर्मूला पढ़ी थो देख जदि हम कहबी
गोटे रेशनाल नंबर, रेशनाल नंबर क्या कहती परिमेय संख्या जोटा को आम गोटे भग्नाश लिखिपर ताको आम रेशनाल नंबर बोली कहू। तो बेसिकली छ सात मनकर छ हूँ गोटे रेशनाल नंबर ए आ गोटे नंबर हूँ टू एटा गोटे पजिट इंटीजर गोटे पजिट संख्या नी छ सिक्स टू द पावर वन बै टू करदेली सिक्स टू द पावर वन बै टू लिखिली टू हूँ गोटे पजिट नंबर आ सिक्स हूँ गोटे रेशनाल नंबर जो सिक्स टू द पावर वन बै टू लिखिली अर्थ कौन एमती लिखी रूट सिक्स है तो यहीटा गोटे रेशनाल नंबर आ नुहे रूट सिक्सटा गोटे रेशनाल नंबर नुहे परिमेय संख्या नुहे। तो ये सिक्स टू द पावर वन बै टूटा को गोटे सर्ड बोली कह कौन कह सर्ड सिक्स टू आउ इंडिसे कौन ना ये दुईटा को हूँ इंडिसे तो मुझे लिखिपर सिक्स टू रुट सिक्स इज ए सर्ड रुट सिक्स इज ए सर्ड अफ इंडिसे टू है इंडिसे टू ये टर्म लिखिपर से कथा ये डेफिनेसन में देख बुझे ए टू दर वन बै एन और ए टू द पावर वन बै एन इज ए सर्ड अफ एन इंडिसे वेयर ए हूँ गोटे रेशनाल नंबर एन टा हूँ पजिट नंबर जोटा कि बुझेली ए टू दर वन बै एन इ रेशनाल नंबर हेटा रेशनाल है कि ना आक कौन कहुए ये सिक्स को ये कौन कह जाए रैडिकांड ये आधार न कह कौन कह बेस न कह रैडिकांड कह अच्छी देखा एथर प्रोब्लेम करवा सर्ड इंडिसे बुझल पावर रब तक फर्मूला कहीदेली तो ये प्रोब्लेम आड़क आगे तो प्रोब्लेम करवा 22 23 टा प्रोब्लेम अच्छी ताकू केमती समाधान करवा देखीद प्राक्ट करदे जोटा कि परीक्षा में हेल्पफुल हम। तो फास्ट क्वेश्चन आमर अच्छी रुट ट्वेल्व प्लस रुट एटीन माइनस रुट थ्री प्लस रुट टू या तो तार चार्ट ऑप्शन भितर आंसर कौन बाछा कही तो यह प्रोब्लेम केमी सल्व करवा देख तो मुझे ट्रिक कहूँ यहाँ सदा कैमेर आसो रुट बार रुट अठर को आम देखिए कौन गोटे भांगा भांगा मैंने कौन एटा हूँ अभीअसली सर्ट ये सर्ट मान खेल आम कम देख रुट बार मान कौन बारटा को आम एम भांगिद कौन दुई में हरीद ये आसला छ दुई तीन मुझे बुझापी कौच तो रुट मान कौन रुट जो आम नौले मैंने रुट मान मन रखी था दुई गुण न दुईर रुट कौन दुईटा दुई थी गोटे दुई आसो बुझीपार जो चारिटा दुई था दुई गुण न दुई गुण दुई आर रुट नहीं कहीं था दुईटा दुई आसता बुझीपाल तो जीटा थी मनकर छा था दुई तार अधा आसता तो रुट मैंने दुईटा दुई को तुम गोटे कनसीडर कर दुईटा दुईर रुट ओवर गोटे सेमती चारिटार दुईटा छटार तीन टा तो दुईटा नंबर रु तुम गोटे नहीं गले कौन होता होमर रुट ओवर तो बारटा को आम लिखिपर दुई गुण न दुई गुण तीन बुझीपार ना तो ये मुझे दुई गुण दुई चारि बार यू जदि कमन जो आम यू कौन कहती ओडिया दुई तीन गुड़ाक छाड़ मन पड़े से कौन तो बार को आम दुई गुण न दुई गुण तीन लिखीदे दुई दुगुण चार तीर बार तो रुट बार मान कौन आर रुट ओवर ना तो यू आम लिखिपर देख ये दुईटा दुई अच्छी दुईटा दुई रु गोटे दुई पड़े आसा टू ए तीन गोटे रहीगला जो दुईटा था तीन ये तीन ही जाता गुणी दे था कि जेहतु तीन अच्छी उपर रुट ओवर अच्छी तो यही रुट थ्री रही तो रुट बार जहाँ टू रुट थ्री सेम सेमती रुट अठरटा को आम कौन लिखिपर रुट अठरटा को एमती भांगिदेव मुझे डायरेक्ट लिखिपरि दुई गुण न तीन गुण न तीन तुम्हें भांगिक देख या हे तार रुट ओवर तो सहीटा कौन हो दुईटा तीन रु गोटे तीन आसो तीन कि दुई एका बची जा तो तीन रुट टू होगा बुझिपाल तो मुझे जो लिखी रुट बार जगह के लिखी ये रुट बार जगह लिखी के टू रुट थ्री प्लस रुट अठर जगह के लिखी थ्री रुट टू माइनस ब्राकेट फिटेदेवी माइनस रुट थ्री थी पजिट भितर नेगेट हो कहीं माइनस अच्छे ब्राकेट बाहर प्लस रुट टूटा माइनस रुट टू हो तो कैसे बची जाऊँच टू रुट थ्री माइनस रुट थ्री दुईटा रुट थ्री गोटे रुट थ्री पड़ेगा कौन रुट थ्री बचीगला ना दुईटा रुट थ्री थी गोटे रुट थ्री पड़ेगा आ गोटे रुट थ्री रहा सेमती थ्री इंटु रुट टू थी गोटे रुट टू पड़ेगा थ्री रुट टू रुट टू फेड़े के प्लस टू रुट टू तो रुट थ्री प्लस टू रुट टू अप्सन में जोटा अच्छे यहाँ क्लिक करदे अप्सन सी रईट आनसर हो बुझीपाल कमी हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी प्राक्ट करवा क्वेश्चन तो यह क्वेश्चन अच्छे फाइव प्लस टू रुट सिक्स रुट ओवर माइनस वन बै फाइव प्लस टू रुट सिक्स रुट ओवर ये क्वेश्चन गुड़ाक कमी सल्व करवा तो ये क्वेश्चन गुड़ा सल्व करने कौन करवा ना आम ये कि ज्ञान प्रयोग करवा चलाक हवा तो देख आम सदा बेले फाइव प्लस टू रुट सिक्स यहीटा कि देख गोटे टर्म आम यू मैंने यार रुट ओवरटा केमती जाणी देख ए फाइव प्लस टू रुट सिक्सटा को आम कौ थे कनभर्ट कर फाइव प्लस
रूट सिक्स टाक आम लिखिपर कि टू इंटु रुट थ्री इंटु रुट टू कहीं रुट थ्री को रुट टू गुणिले रुट सिक्स ना तो रुट सिक्स जगह मुझे रुट थ्री इंटु रुट टू लिखिपर फाइव टाक कौन लिखिपर रुट थ्री होल स्क्वायर प्लस रुट टू होल स्क्वायर प्लस टू इंटु रुट थ्री इंटु रुट टू तो देख यू कौन फाइव प्लस रुट टू टू रुट सिक्स टू रुट सिक्स टाइम केमी भांगिक लिखिदेली रुट थ्री स्क्वायर तीन रुट टू स्क्वायर दुई तो तीन दुई पाँच होगा ये मिसिक टू इंटु रुट सिक्स रुट थ्री इंटु रुट टू तो टू रुट सिक्स होगा तो यहाँ भांगिक मुझे ये लिखिदेली देख यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्मुला हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो रुट थ्री प्लस रुट टू होल स्क्वायर होगा कौटा यहाँ ये जिनसटा कौन फाइव प्लस टू रुट सिक्स फाइव प्लस टू रुट सिक्सटा के रुट थ्री प्लस रुट टू होल स्क्वायर तेल फाइव प्लस टू रुट सिक्स रुट टू ओवर टाइम केव रुट थ्री प्लस रुट टू होल स्क्वायर रुट ओवर मैंने कौन रुट थ्री प्लस रुट टू खाली बची जा स्क्वायर टाइम उड़ी तो ये मुझे डायरेक्ट लिखिदेवी के रुट थ्री प्लस रुट टू माइनस वन बै या जगह भी सेम से सेम जिनस ना तो रुट थ्री प्लस रुट टू तो ये भग्नाश मिश्रण फेड़ाण कर ना आउ गोटे कथा मुझे सहज करदेवि यू कमी मुझे ये सेकेंड पार्टा ये पार्टा रुट थ्री प्लस रुट टू अच्छी तले रुट थ्री माइनस रुट टू मल्टीप्लाए करदेवि तलटा को गोटे पजिट जिनस तो ये जब रुट थ्री माइनस ये मन रखीद सदा बेले यार जो फैक्टराइजेशन कर मानने जो गोटे नंबर में परिणत करा तुम चाहिए कि सल्यूसन कराया चाहिए समाधान कराया चाहिए सर्ट सुरार जो तलटा थी तार ए प्लस बी थी तुम सदा ए माइनस बी मल्टीप्लाए कर कन्सेप्ट ए प्लस बी ए माइनस बी सदा मल्टीप्लाए कर तो रुट थ्री प्लस रुट रुट थ्री माइनस रुट टू तले जदि मल्टीप्लाए कर ऑब्वियसली समतुल करने मल्टीप्लाए करा पड़ो ना ना असुविधा हो जिते गोटे भग्नाशर लबर जीक हर हर से गुण से चेंज हेनी तो तले जदि रुट थ्री माइनस रुट टू गुण उपर गुण तो बर्तमान कह रुट थ्री प्लस रुट टू रहा बापटे माइनस ये अच्छे रुट थ्री माइनस रुट टू तले कह देख ये ए प्लस बी इंटु ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना फर्मूला तो रुट थ्री स्क्वायर माइनस के रुट टू स्क्वायर के रुट थ्री स्क्वायर तीन माइनस रुट टू स्क्वायर टू तो तीन माइनस दुई एक तो तले यहाँ एक होगा तो रुट थ्री माइनस रुट टू बै वन होगा तले ये आम किसी लिखा आवश्यक ना ये जेहतु माइनस चिन्ह मझे अच्छे ब्राकेट दे दूसरी तो रुट थ्री ब्राकेट फिटिगल के कौन हो जाए रुट थ्री प्लस रुट टू माइनस रुट थ्री माइनस रुट टूटा कौन हो प्लस रुट टू कहीं ब्राकेट थी तो रुट थ्री रुट थ्री कटिगला रुट टू प्लस रुट टू के टू रुट टू तो ये जो जिनस भैल्यू के टू रुट टू आसीगला एमती सल्व कर तृतीय क्वेश्चन को जी पावर सर्ट इंडिस दुईटा क्वेश्चन कले पावर आ सर्ट इंडिस मुझे क्वेश्चन करुच्ची तो देख देखनी यह भाई क्वेश्चन क्या सल्व कर तो टू टू द पावर फोर रुट टू फोर तेल दुई टू टू द्वारा फोर मैंने कौन चार गुणी होगी अच्छी तो तार रुट ओवर मैंने चार दुईटा आसो तो ना कौन लिखिपर अर्थ रुट ओवर दे मैंने टू टू द पावर फोर रुट ओवर मैंने कौन ना मन रखीद सिक्स रुट सिक्स जहाँ सिक्स टू द पावर वन बै टू से सिक्स टू द पावर रुट थ्री जहाँ सिक्स टू द पावर वन बै थ्री से सिक्स रुट सेभेन जहाँ मैंने सेभेन्थ रुट जहाँ सिक्स टू द पावर वन बै सेभेन से यह तुम जान ना तो यहाँ हूँ किसी चिन्ह ना ये किसी लोग नाने ये किसी ई नाने ये तीन देखिए मैंने वन बै थ्री एट वन बै फोर ये किसी ना मैंने रुट खाली रुट तो टू टू द्वारा फोर वन बै टू मुझी है किसी लिखी एटा कौन लिखिपर चौसठ टू द पावर वन बै थ्री प्लस यहाँ के लिखी टू टू दावर एट टू द पावर के बै फोर तो टू यहाँ कौन ब्राकेट अच्छी मानते दुटा घात मल्टीप्लाई हो तो टू टू द पावर फोर इंटु वन बै टू फोर इंटु वन बै टू ये दुई दुई कटे के टू बची जाऊँगी प्लस चौसठटा को लिखिपर कौन चार क्यूब चौसठ टू द पावर वन बै थ्री प्लस टू टू द पावर ये घात गुणी होट इंटु वन बै फोर तो गोटे दुई टू स्क्वायर रहा तो ये दुई स्क्वायर चार प्लस फोर क्यूब टू द पावर वन बै थ्री तीन इंटु वन बै थ्री तीन तीन कटिगला वन बची तो फोर टू द पावर वन के फोर टू स्क्वायर के फोर तो चार बार हो जाए आंसर बुझिपार ये क्वेश्चन सहज सहज क्वेश्चन परीक्षार सियोर पड़ो तो देखनी देखिए एट टू द पावर टू बै थ्री के आराम से कर एट टू द पावर टू बै थ्री तो एटा को मुझे लिखिपर टू क्यूब ना टू क्यूब लिखी एट जगह आउर कौन अच्छे टू बै थ्री अच्छी एवं घात दुटा गुणी हो ब्राकेट जेहतु अच्छी उपर पावर अच्छे तो टू टू द पावर थ्री इंटु टू बै थ्री
तीन तीन कटिगला दुई मचिगला तो टू स्क्वायर के फोर बहुत इजी क्वेश्चन परीक्षा कि पकईदेव सहज क्वेश्चन है मुज कर मॉडरेट लेवल भी करुच्ची कहीं जदिका के क्वेश्चन टी पकईदेला तो आम कमी कर तो ये कौन दे टू टू द पावर 32 टू द पावर 1 बाय 3 बा 32 रो क्यूब रूट टू थ्री टू द पावर 4 रो क्यूब रूट 5 रो क्यूब रूट ताकु सॉल्यूशन करिया को कहिछि तो ये जिनस गुराक आम भांगी दबा भांगी देले कौन हम ना आमको सहज हम करा तो 32 टा को मुझे एमती करी फैक्टराइजेशन कले कौन लिखि पारि 32 32 को लिखि पारि कौन ना एम तुम जदि जानी पारि एम कर दो 216 2 8 2 4 2 2 तो पांचटा दुई गुणले 32 होची ना पांचटा दुई तो टू इंटु पांचटा दुई रो देखो क्यूब रूट बुझिपार तो यहाँ को आम कमी करवा जदि आम 8 4 नहीं जावा देख जदि आम पूरा भांगा भी आमको हार्ड हो रहा कह समय लगे यू मत देखा जा फोर में कनभर्ट करहब बोली फोर में ही कनभर्ट करमक सहज हम चल तो टू इंटु एगुटा व्यक्ति किसी भांगिया दरकार ना देख फोर क्यूब रूट यहीटा देती मैंने यहीटा को आम फोर क्यूब रूट ये गोटे टर्म बाहर करवा ए गोटे बाहर करवा तो आम कर्तव्य हूँ 32 को आम लिखिद कौन ना 4 इंटु 8 क्यूब रूट तो 32 जगह मुझे देखी 4 8 किसी भूल ना ना यहाँ को इरेज कर दूसरी ये भांगे यार बेकार परिश्रम हो 3 इंटु यू जहाँ अच्छे सेमती रखिदे 4 क्यूब रूट प्लस 500 को मुझे 4 इंटु के 125 किसी भूल लिखिली र क्यूब रूट तो एमती लिखिदेली तो 2 इंटु 4 टू द पावर 4 इंटु 8 र क्यूब रूट ता माने कौन देख गुणी हो मैंने कौन 4 इंटु 8 टू द पावर 1 बाय 3 ता अर्थ हो 4 टू द पावर 1 बाय 3 इंटु 8 टू द पावर 1 बाय 3 या तो 8 मैंने कौन 8 हूँ 2 क्यूब तो 2 क्यूब टू द पावर 1 बाय 3 से 2 पलैस तो यहाँ मुझे लिखिपरि 2 इंटु 4 र क्यूब रूट इंटु 8 क्यूब रूट 8 क्यूब रूट के 2 तो इंटु 2 8 लिखिदे माइनस यहाँ जहाँ अच्छे सेमती लिखिली प्लस यहाँ कौन लिखिपरि 4 4 इंटु 125 क्यूब रूट तो ये लिखिली 4 इंटु क्यूब रूट इंटु 125 क्यूब रूट 125 क्यूब रूट के 5 5 को 3 थर गुणले 125 तो 125 क्यूब रूट 5 आम समस्त जाचे तो यहाँ दुई ये अच्छे 2 दुगुणा 4 इंटु 4 क्यूब रूट माइनस 3 इंटु 4 टू द पावर क्यूब रूट प्राक्ट कर ना 2 को 4 मल्टीप्लाय मन इच्छा कर यहाँ सहित किसी छुईबन केवल युवा को गुणव 2 गुण 4 4 इंटु 4 क्यूब रूट माइनस 3 इंटु 4 क्यूब रूट प्लस यहाँ 5 इंटु ये 5 इंटु 4 क्यूब रूट तो मिशन फेड़ाण कर दि सब तो 4 इंटु क्यूब रूट सब गुड़ा अच्छी खाली कोएफिशिएंट 4 3 5 गुरा कम कर दि तो कैसे 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 5 के 6 इंटु 4 क्यूब रूट आंसर हो बुझिपाल युवा खाली करदेली 4 क्यूब रूट कमन रहा नेक्स्ट क्वेश्चन को जी पावर रुणी गोटे क्वेश्चन आसला गोटे सर्ट रोटे पावर रुँ एमती करोचे तो देख ये कौन अच्छी तो ऊपर दे 243 पावर 0.13 इंटु 243 पावर 0.07 तो ये ए टू द पावर एम इंटु ए टू दर एन पड़ेगा आधार दुईटा सेम अच्छे गुणी हो गई तो घात दुईटा को मिसीज तो ऊपरटा को लिखिपरि 243 टू द पावर 0.13 प्लस 0.07 या करी बाय तलटा को कौन करी एरा सब 7 अच्छी 49 अच्छी 343 अच्छी तो मत देखा यहाँ 7 स्क्वायर यहाँ 7 क्यूब मैंने 7 को 3 थर मल्टीप्लाय कले 343 हो 7 को 2 थर मल्टीप्लाय कले 49 हो तो सैया करदे 7 इंटु 0 टू दर 0.25 इंटु 7 स्क्वायर ये लिखी 7 स्क्वायर मैंने कौन यू लिखी जब 7 स्क्वायर तो ये कौन हो देख एक लाइन मुझे ओमिट कर 49 लिखिली कौन ना 7 स्क्वायर इंटु के 0.075 तो ये दुईटा ये मल्टीप्लाय होना 2.075 0.075 गुणले के 7 टू द पावर 0.150 होगा 2 को जदि 0.75 गुणीदेली इंटु यू 343 ना 7 क्यूब तो 7 क्यूब 0.2 तो 3 को 0.2 गुणले के 0.6 तो 7 टू द पावर 0.60 यहाँ लिखिली तो ऊपरटा के 243 पावर के दुटा मिसीगले 0.13 0.07 मिसले के 0.20
ବାଇ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଦେଖ ଆଧାର ସେମ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 7 to the power, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଦେଖ 0.150 ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଦେଉଛି, ମିଶେଇବା ଆମକୁ ସହଜ, କାହିଁକିନା 0.25 ଯାହା 0.250 ସେଇଆ, 0.60 ସେଇଆ, ବା 0.6 ଯାହା 0.6ରେ ଯେତେଟା ଶୂନ ଦେଇଦେଲେ ବି ସେଇଆ ତା ଅର୍ଥ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଆମକୁ ମିଶେଇ ଦେଉଛି ତ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 250 400 600, ଏରା ଏଇ ତିନିଟାକୁ ମିଶିକି 1 ହେଇଯାଉଛି, ଏ ତିନିଟାକୁ ମିଶିଲେ 1, ତ 7 to the power 1 ତଳେ ବଞ୍ଚୁଛି। ତ ଏଠି ଉପରେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 243ଟାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଲେଖିପାରିବି, ଏଇଟା ଉପରେ 243 ନା 343 ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସେ ଯାହା ଥାଉ 243 ଅଛି, ତ 243 ଆମ ଆମର ଏମିତି ରଖିଦେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା 243ର 0.20 ବା 1/5/7 ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର, ଆମ କାମ ଏତିକି ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ? ତ ସଦାବେଳେ ଯେମିତି ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ତା ଉପରେ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ତା ଉପରେ, ପୁରା ଡାଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯଦି ସେମ୍ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଛି, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଟ୍ରିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ ଆମେ ଏଇଆଡ଼ୁ ତ ଏଇଆଡ଼ୁ ଆସିବା, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କେଉଁଟା, ଏଇ ଛୋଟ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଆଡ଼ୁ ଆସିବା, ଏଇଆଡ଼ୁ ସଲ୍ଭ କରି କରି ଏଇଆଡ଼ୁକୁ ଆସିବା, ହେଲା? ଏଇଆଡ଼ୁ କେବେ ଭୁଲରେ ସଲ୍ଭ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ଅଛି ଲେଖିଦେବି -√3 + 3 + 8, ଏଇଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଛି, ତ 7 + 4√3ଟାକୁ ଆମେ ଆଗ କାମ କରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା କାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍, ତ ଦେଖ 4√3ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 × 2√3 ନା, ଏବେ ଆମର କାମ ହେଇଗଲା। 7ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ 2² + √3ର² କାହିଁକିନା 2² 4 √3ର² 3, ତ 4 × 3 7 ହେଇଗଲା ମିଶିକି 2 × a 2 b ହେଉଛି √3, ମାନେ ଏ ହେଉଛି 2 √3, 2ab, a² + b² + 2ab, ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା 2 + √3ର² ତ 2 + √3ର² କେତେ 7 + 4√3ଟା ଆମେ ପାଇଗଲେ, ତା ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ମାନେ କ'ଣ ଆର୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ମାନେ 2 + √3। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ 7 + 4√3ର ଜାଗାରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ 7 + 4√3ର ଜାଗାରେ ନା 2 + √3ର ଲେଖିପାରିବା ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ତା'ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଏଇଠି ଚିହ୍ନ ଅଛି ନା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରେଜ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବି, ଏଇଟା କ'ଣ ରୁଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଉଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଛି, ତ କେତେ ହେଲା ×2 + √3 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ରାକେଟ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଏଇ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ତ -√3 + 3 + କେତେ ହେଉଛି 8² 16 + 8√3, ତ ୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଆଗ ଏଇ ଆମ ଛୋଟ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ସାରିବା, ତାପରେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା, ଏଇଟା ଆସିନି ଏଇ ଯାଏଁ -√3 + ଏଇଟା ହେଉଛି 16 × 3 = 19 + 8√3, ଦେଖ 19 + 8√3 କାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆଗ ୟା କାମ ସାରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କରିପାରିବି, ତ 19 8√3ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 2 × 4√3, ତ ଏଇଠୁ ମୋତେ ଜଳ ଜଳ କରିକି ଦେଖାହେଉଛି 19ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 4² + √3² କିଛି ଭୁଲ ହେଲା କି, 4ର² ହେଉଛି 16, √3ର² ହେଉଛି କେତେ 3, 16 × 3 ମିଶିକି 19, ତ ଦେଖ a² + b² + 2 ବି ଫର୍ମୁଲା ହେଇଗଲା, ତ 19 + √8√3ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ନା 4 + √3ର² ତ 19 + 8√3ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଛି, ମାନେ ଏ ସ୍କୋୟାରଟା ଉଡ଼ିଯିବ, ତ 4 + √3 ଖାଲି ବଞ୍ଚିଯିବ, ତ -√3 + ୟା ଜାଗାରେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଜାଗାରେ ନା 4 + √3, ର ଉପରେ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଛି, ଫୁଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଦେଲି, ଏଇଟା କେତେ ହେଲା -√3 + √3 ଜିରୋ ହେଇଗଲା, ତ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଗଲା କେତେ ନା 4 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କେତେ +-2, ଯାହା ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା +2 ହିଁ ଦେଇଥିବ, ମାଇନସ୍ ଦେବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କନସେପ୍ଟ ଆଲଜେବ୍ରାରେ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ -2 ହେବନି ଆଲଜେବ୍ରାରେ ସର୍ଟ ଇଣ୍ଡିସ, ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ +2 ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, 3 + 2√2 - 3, 3 - 2√2 - 3, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ତାକୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି 3 + 2√2 - 3 + 1/3 - 2√2 - 3, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି କି,
ଦେଖିପାରିବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ନା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମ କରିବି ମୁଁ, ଏତେ ଜିନିଷ ତ କିଛି କରିବା ଦରକାର ମନେ ହେଉନି, କିଛି ଏରା ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 3 + √2 କାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି, ତ 3 + √2 ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି, ଯଦି ଲେଖିଦେବି ସେମିତି କ'ଣ ଲାଭ ହେବ। ଅପସନ୍ଟା ଲେଖିବାର ଥିଲା, ଅପସନ୍ ନହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିବା। ମେନ୍ ହେଲା ମୋତେ ଯେଉଁଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କହିଲି ମୋର ଅପସନ୍ ଲେଖିବାର ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବି, ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଚାଲ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଆଗକୁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବା କ'ଣ ହେଉଛି। 3 + √2 କ'ଣ ନା 2 × √2 1, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି √2 + 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, √2 + 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଦେବି ଏଇଟାକୁ, ତାର ପାୱାର କେତେ -3 ପ୍ଲସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କ'ଣ ନା √2 - 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ତାର ପାୱାର କେତେ ନା -3, ତ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି √2 + 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାରର କେତେ -3/2, ଏଇଟା ହେଉଛି √2 - 1 ର କେତେ -3/2। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆନ୍ସର୍ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟୁ, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆମର ଯାହା ଏଇଟା ତ ଭାଙ୍ଗିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ମୋତେ ନିହାତି ଲେଖିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିନି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି। ତ 3 + √ ନହେଲେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ନିଡ୍ ଥିବ ଏ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିପାରିବ ନା 1/3 - 2√2 - 3 ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟାକୁ ନା। ତ ତୁମେ ଯଦି ଗା ଏଇଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ 3 + √2 ର କ୍ୟୁବ୍, ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ, ଏଠି ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ 3 + √2 ର କ୍ୟୁବ୍ ତଳେ, ଯଦି ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି 3 + √2 - 3 ହେଉଛି, ଏଇଟା ରହିଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା 3 + √2 ର କ'ଣ କ୍ୟୁବ୍, ତଳେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି a - b × a + b, ୟାର କ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ୟାର କ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ a² - b² ର କ୍ୟୁବ୍, ଏଇଆ ତ। ତ ଏଇଠି ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବି ଯଦି a² ତ କେତେ ହେଉଛି ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 3² - 2√2² ର କ୍ୟୁବ୍ ହେବ, ଏଇଆ ତ। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦେଖ, 3² = 9, 2√2² କେତେ 8, ତ 9 - 8 = 1 ହେଇଯାଉଛି, ତ 1 ର କ୍ୟୁବ୍ 1, ତ ତଳଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆମର ନା 1 ହେଇଗଲା, ତଳଟା ହେଇଗଲା 1। ଆଉ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆମକୁ ନା 3 + 2√2 ର କ୍ୟୁବ୍, ଏଥର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବା, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଗଲାନି, 3 + √2 - 3, କିଛି କରିନି, ଏଇ ବାଁ ପଟଟାକୁ ଡାହାଣ ପଟ ଲେଖିଦେଲି, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେଲି ଏଇଠି। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏଇଟାକୁ ଯଦି a³ + b³ ର ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବ ନା a³ + b³ କାହିଁ ପକାଇବ, ଏଇଟା -3 ଅଛି ନା, a + b ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା। ତ ଛାଡ଼ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ତ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି, ଏଇଟା ତ ମାଇନସ୍ ରହୁଛି ନା, ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଛାଡ଼ ଏଇଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଟାକୁ କହିଦେବା କ'ଣ ତା'ର ଅପସନ୍ ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କ'ଣ ଦରକାର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଆସୁଛି ଫର୍ମ, ସେପଟେ ବି ସେଇ ଫର୍ମ ଆସୁଛି, ତ କ'ଣ ଦରକାର ଆମର ନା ଜାଣିନେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅପସନ୍ଟା ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବା। ତ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତ କ'ଣ କରିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଆସିବ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ତୁମେ ଏଇଠି ତଳେ ଅଛି √3 + √2 ନା, ସବୁଗୁଡ଼ା ମନ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଇଠି ୟାର ଖାଲି ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମଝିରେ ତୁମେ ଗୁଣି ଚାଲିବ, ତ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଟାକୁ a² - b² ଫର୍ମରେ ପକାଇବାକୁ, ତ ଏଇଠି √3 + √2ରେ କ'ଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ନା √3 - √2, ସେମିତି ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ କେତେ ନା √3 - √2, ସେମିତି ମାଇନସ୍ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଗଲା √5 + √2 ଅଛି, ଏଇଠି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି କେତେ √5 - √2, ତଳେ ଖାଲି ଗୁଣି ଚାଲିବ, ତାର ତଳେ ଯେତିକି ଗୁଣିବ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ସେତିକି ଗୁଣୁଥିବ, ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା, ତ √5 - √2, ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ √5 + √3 × √5 - √3, ସେମିତି
टू रुट टू इंटु रुट फाइव माइनस रुट थ्री करदेव। तो यहाँ करदे तो ये देख रुट थ्री प्लस रुट टू इंटु रुट थ्री माइनस रुट टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रुट थ्री स्क्वायर माइनस रुट थ्री स्क्वायर यहाँ हो गला कौन यार भैल्यू वन हो यार भैल्यू के रुट फाइव स्क्वायर फाइव माइनस रुट टू स्क्वायर के टू, तो फाइव तीन होटा यहाँ के रुट फाइव प्लस रुट थ्री होल स्क्वायर इंटु माइनस रुट थ्री होल स्क्वायर, तो पाँच माइनस तीन के दुई हो, तो ये जो दुई आसूँ ये दुई रे दुई काटि तीन को तीन ने काटि आउ जहाँ बचला ये जो रोचे यार सब गुणी दिव रुट फाइव इंटु रुट थ्री के रुट पंदर रुट फाइव माइनस रुट टू माइनस रुट टेन माइनस देदे ये ब्राकेट रहा रुट रुट थ्री इंटु रुट पंदर रुट थ्री माइनस रुट टू के रुट सिक्स प्लस आ कि ब्राकेट द्वारा ना रुट टेन माइनस रुट सिक्स ब्राकेट फिटेकि करदि रुट फिफ्टीन माइनस रुट टेन माइनस रुट फिफ्टीन माइनस रुट सिक्सटा ब्राकेट फिटे प्लस हो प्लस रुट टेन माइनस रुट सिक्स सब कटिकुटा गला रुट पंदर रुट पंदर माइनस रुट टेन प्लस रुट टेन रुट सिक्स माइनस रुट सिक्स आंसर हो जीरो यार जीरो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी एभिया क्वेश्चन तुमको कही पावर थी दुटा को ब्राकेट अच्छी तार पावर अच्छे मैंने पावर गुणी हो तो माइनस टू द पावर माइनस टू इंटु माइनस टू पावर दुटा गुणी हो फर्मुला में पढ़चे तो माइनस टू द पावर माइनस टू इंटु माइनस टू के फोर प्लस फोर तो माइनस टू टू द पावर फोर मैंने माइनस टू को चार थर गुण माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू के दुई दुगुणे चार दुगुण आठ दुगुण षोह जेहतु चार थर गुणा है पॉजिटिव नंबर आसो षोह है तो माइनस टूर पावर फोर केोहला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी पुणी गोटे पावर क्वेश्चन आसला ये क्वेश्चन कौन कर तुम्हें अप्सन दे दीजिए ये तो ये अप्सन मत दबार ये जो क्वेश्चन टा नौ नंबर क्वेश्चन अप्सन थी आम कौन दरकार से अनुसार कम कर दे था तो आंसर कौन हम यार ये क्वेश्चन केमती सल्व कर तो यहाँ गोटे कम करना ये गुटा न अच्छे यहाँ को पाव आधार दार तीन करदेव बेस तीन करदेव तो कमी तो तीन इंटु नौ जगह मुझे लिखिपर तीन स्क्वायर तो थ्री स्क्वायर लिखिदे नौ जगह पावर एन प्लस वन प्लस थ्री स्क्वायर नौ जगह थ्री टू द पावर टू एन माइनस वन बाय थ्री स्क्वायर इंटु थ्री टू द पावर टू एन माइनस छटा लिखिपर कौन ना टू इंटु थ्री इंटु थ्री स्क्वायर नौ जगह टू द पावर के एन माइनस वन तो यू कौन आसी जाऊँच तो यहाँ टू टू द पावर एन प्लस वन मैंने कौन दुई को एन प्लस वन मल्टीप्लाई तो कैसे हो गोटे लाइन करवा थ्री इंटु थ्री टू द पावर टू एन प्लस टू प्लस यहाँ के थ्री टू द पावर ये देख थ्री स्क्वायर इंटु थ्री टू द पावर टू एन माइनस वन मैंने कौन आधार सेम अच्छे तो घात दुटा मिसी जाओ ना तो टू एन माइनस वन प्लस टू के टू एन प्लस वन ये आसगला टू एन प्लस वन बाय तले कौन आसी जा आधार सेम अच्छी यहीटा के थ्री टू द पावर टू एन प्लस टू आसी जा माइनस यहाँ कौन आसी जा टू इंटु थ्री इंटु यहाँ के थ्री टू द टू तार पावर एन माइनस वन अच्छी तो थ्री टू द पावर टू एन माइनस टू हो जा तो बर्तमान कौन करवा ये देख यहीटा को ये पावर वन अच्छी तो यहाँ मिसीगले के थ्री टू द पावर टू एन प्लस टू रे प्लस वन मिसीगले टू एन प्लस थ्री इन प्लस थ्री टू द पावर टू एन प्लस वन बाय थ्री टू द पावर टू एन प्लस टू माइनस टू इंटु थ्री टू द पावर ये वन पावर अच्छी तो आधार सेम अच्छे ये दुटा गुणी हो गए वन मिसीजे तो थ्री टू द पावर टू एन माइनस वन तो फास्ट लाइन टाक इरेज कर दौर इजिक्वाल टू मुझे थ्री टू दबार टू एन कमन नहीं पारि केमी ना थ्री टू दर टू एन प्लस थ्री जहाँ थ्री टू द पावर टू एन प्लस थ्री जहाँ थ्री टू दबार टू एन इंटु थ्री थ्री टू दबार थ्री से नुहे कि तो ये मुझे थ्री टू दबार टू एन नहीं कमन कौन हो थ्री टू दबार टू एन जदि कमन नेबी उपेर रही कौन थ्री क्यूब प्लस थ्री वन या तो बै तले जदि थ्री टू दबार टू एन कमन नेबी हर रु यूर ये जो जिनस यू नौ कमन तो तलु जदि थ्री टू दर टू एन कमन ने के बची जीव थ्री स्क्वायर माइनस टू इंटु थ्री टू टू एन दे थ्री टू माइनस वन रोज थ्री टू टू द्वारा माइनस वन मैंने कौन वन बै थ्री तो टू बै थ्री टू इंटु वन बै थ्री या तो थ्री टू दर टू एन थ्री टू दर टू एन कटिगला तो केपर बचला तीन टू दर तीन सतैश प्लस तीन के बै थ्री स्क्वायर नाइन माइनस टू बै थ्री तो तीस
बाई तीन नुआ सतैश माइनस दुई पचिश बै तीन तो यहीटा जाइए तीन टा उपर मल्टीप्लाए हो कैसे जो नब्बे बै पचिश एटा काटिद पाँच रेल अठर बै पाँच आंसर होगा अठर बै पाँच आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी बार नंबर बहुत सहज क्वेश्चन निजे यहाँ सल्व कर एक सतानबे क्यूब रूट दे तो यहाँ केते हम एक सतानबे आम जाने तेर को तेर मल्टीप्लाय कले शहे अणस्तरी शहे अणस्तरी को तेर मल्टीप्लाय कले एक सतानबे ये जिनसा मन रखीद सहज हम परीक्षा तो तेर को तीन थर गुणले जेहेतु एक सतानबे माइनस एक सतानबे क्यूब रूट के माइनस तेर सेमती बार क्यूब बार को तीन थर गुणले सतरश अठाईश तेर को तीन थर गुणले एक सतानबे गुड़ा मन रखीद एक रु पचिश जाए क्यूब गुड़ा मन रखीद जहाँफल क्यूब रूट तुम सांगे सांगे कर तो माइनस तेर इंटु माइनस शहे पचिश क्यूब रूट के माइनस पाँच इंटु सतैश बै पाँच बार क्यूब रूट तो सतैश क्यूब रूट के तीन बै पाँच बार के आठ आठ अशुना चौष्टि अशुना पाँच बार तो ये आम पाईले तो यह सल्व करदे माइनस तेर को माइनस पाँच मल्टीप्लाए गले पंषठी गुणन तीन बै आठ ये आंसर हम पंषठी आ कि कटुनि तो पंषठी तीर के पंषठी तीर हूँ आमर शहे पंचानबे बै आठ आंसर हम ये तुम सल्व करते क्वेश्चन थी तुम देख लुमको ये देखा कौन ना जीरो पॉइंट सेवेन थ्री और जीरो पॉइंट टू सेवेन कथा अच्छे आई ना तो ऊपर जीरो पॉइंट सेवेन थ्री टाइम जब तुम भाई ए तो यहाँ ए होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब तले हो जाए कौन ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ए को बी रे मल्टीप्लाई होती तो यहाँ कार फर्मूला हो जा ए प्लस बी फॉर्मूला ही जाऊँ ना कहीं ए प्लस बी इंटू एस ए प्लस बी रे यहाँ गुणिले एतिक ए क्यू प्लस बी क्यू तो ए क्यू प्लस बी क्यू रहा हरले ए प्लस बी हम ना ये फर्मूला मन रखीद ए क्यू प्लस बी क्यू रुमक तो यहाँ हो कौन ए प्लस बी फर्मूला हो जा तो ए हूँ जीरो पॉइंट सेवेन थ्री बी हूँ जीरो पॉइंट टू सेवेन तो दुटा को जेनराली मिसेद खाली किसी तुमको क्यू फ्यूब किसी करना ना दुटा मिसेद जीरो पॉइंट सेवेन थ्री जीरो पॉइंट टू सेवेन मिसेद आंसर हम वन यार आंसर केन केमी कली ना यहाँ को ए धरी पकेले बी धरी पकेले तो ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो तो यहाँ ए प्लस बी फॉर्मूला हो जाए तो काम शेष ए प्लस बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी ये क्वेश्चन आर आई पड़ा तो एमटा केमी कर तो आमको पचार एक्स रैल्यू के आमको आगे एक्स प्लस वाई बाहर करवा एक्स माइनस वाई बाहर करवा आंसर हो तो यहाँ को लिखिपर जो थ्री टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एकाशीटा मुझे लिखिपर कौन थ्री टू द पावर फोर कहीं तीन को चार थर गुणिले एकाशी तो ये कौन कर थ्री टू द्वारा एक्स प्लस वाई इक्वल थ्री टू द्वारा फोर तो आधार दुईटा को सेम अच्छी मैंने घात दुईटा को सेम हम मैंने एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर तो मुझू पाइपर कौन ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर पाइपर है यहाँ इंपोर्टेंट जिनसा मन रखी था सेमती एकाशी टू द पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू के थ्री अच्छी थ्री टू द पावर एकाशीटा लिखिपर थ्री टू द्वारा फोर तार पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू के थ्री तो थ्री टू द्वारा फोर रावर एक्स माइनस वाई तो गुणी हो तो फोर एक्स माइनस फोर वाई इजुक्ल टू थ्री तो देख ये आधार सेम अच्छे तो यार पावर एक अच्छी ना थ्री रिच्छी ना मैंने कौन थ्री टू द्वारा वन तो यार घात आर घात सेम हो तो इम्प्लाइज कौन ये पाई ना फोर एक्स माइनस फोर वाई इजुक्ल टू के पाई वन आम यहाँ गोटे इक्वेसन नंबर वन देदे ये मन कर टू दे दीटा को सल्व करके मुझे एक्स रैल्यू बाहर करी आ तो यहाँ को जदिका कौन करी एक्स प्लस वाई मुझे चार लेखा मल्टीप्लाई कर दूँ तो के फोर एक्स प्लस फोर वाई इज वाल के तो ये गोटे काम करी एत जिन कम करू कम होमर तो यहाँ फोर इंटु एक्स माइनस वाई फोर कमन नहीं गले वन हो तो एक्स माइनस वाई रैल्यू के वन बै फोर तो ये लिखिदेवी के एक्स माइनस वाई इज वाल टू वन बै फोर आमको देख ये एक्स प्लस वाई फोर एक्स माइनस वाई वन बै फोर मैंने जदि आमको एक्स पचार दुईटा को मिसेक बै टू करदे जब वाई पचार दुईटा को फेड़िकी बै टू करदे जोटा कि मुझे शिखे पूर्व क्लास तो एक्स रैल्यू कौन हम ना फोर प्लस वन बै फोर बै टू देखु ना सल्व कर ना से हम सतर बै टू के चार सतर बै चार सतर बै आठ जब वाई पचार था कौन करता ना फोर माइनस वन बै फोर बै टू दुटा फेड़िकी बै टू करदे के षोह पंदर बै चार पंदर बै आठ
ଏଭଳି ଆନ୍ସର କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବା, ତ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଇଛି ଇଫ୍ 3/4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3, 4/3 ଟୁ ଦର -7, 3/4 ଟୁ ଦର 2x, x ର ଭାଲ୍ୟୁ ପଚାରିଛି, କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 3/4 ର କ୍ୟୁବ ଏଇଟା 4/3 ଟୁ ଦର -7 ଅଛି, ତାର ଇନଭର୍ସ କରିଦେବା, ଓଲଟେଇ ଦେବା, 3/4 ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ ହେଇଯିବ, ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, +7 ଥିଲେ -7 ହେଉଥିଲା, -7 ଥିଲେ +7 ହେଇଯିବ ନା, ଏଇଟା ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ତ କରିଦେଲି ସେଇଆ, ତ 3/4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2x, ଏଇଠି ଆଧାର ସେମ୍ ଅଛି ତ ଘାତ ଦୁଇଟା ମିଶିଯିବ, ତ 3/4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3+7 କେତେ 10, ଏଠି ହେଇଗଲା କେତେ 3/4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2x, ଘାତ ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲା ଜେନେରାଲି, କାହିଁକି ନା ଆଧାର ସେମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଏଇଠି ଆଧାର ସେମ୍, ତ ଅବିୟସ୍ଲି ଘାତ ଦୁଇଟାକୁ ସେମ୍ ହେବ ନା, 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2x, ତ 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2x, ଆମକୁ x ର ଭାଲ୍ୟୁ ପଚାରିଛି, x କେତେ ହେବ 10/2, 5, ସହିଲା କାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ପୁଣି ଗୋଟେ ପାୱାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ, ଏଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପୁରା ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ପଚାରିଛି 27 ଟୁ ଦେବାର 2x-1 ଇଜୁଗାଲ ଟୁ 243 ଟୁ ଦେବାର 3 ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ, ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ପଚାରିଛି, ତ 27ଟା ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, 3 ର ପାୱାର କ୍ୟୁବ, କାହିଁକିନା 3କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ 27, ଟୁ ଦ ପାୱାର 2x-1, 27 ଜାଗାରେ ସେତିକି ଲେଖିଲି, 243 ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, 243ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଯେ 81ରେ 3 ଗୁଣିଲେ 243 ହେଉଛି ନାଇଁ କି, ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ହେବ 243ଟାକୁ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିବ 3କୁ 5 ଥର ଗୁଣିଲେ ହେଉଛି 243, ତ 3 ଟୁ ଦର 5 ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି 3, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 3 ଟୁ ଦବାର, ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ ନା, ବ୍ରାକେଟ୍ ଅଛି ତାର ପାୱାର ଅଛି, ତ 3 ଟୁ ଦବାର 3 ଇଣ୍ଟୁ 2x-1, ତ 3 2x ଗୁଣିଲେ କେତେ 6x, 3କୁ -1 ଗୁଣିଲେ କେତେ -3, ତ 3 ଟୁ ଦବାର 6x-3 ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ 5×3 କେତେ 15, ତ ଆଧାର ସେମ୍ ହେଇଗଲା, ଘାତ ସେମ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତ ଉପର ଇକ୍ୱେସନ୍ କେତେ ହେଇଗଲା, 6x-3=15, 6x=, କେତେ -3 ଏପଟେ ଯାଇକି ମିଶିଗଲେ କେତେ 15+3=18, x=18/6, 3, ତ ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ପଚାରିଛି, ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ପୁଣି ସହଜ କାମ କରିଦେବା, 5ରେ କଥା, ତ 5√5×5³ ହରଣ 5^-3/2 = 5^a+2 ଅଛି, ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି 5^1×5, ତ 5√5 ମାନେ କ'ଣ, 5^1×5√5 ଜାଗା ଲେଖିପାରିବି, 5^1/2 ଏଇଆ, ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା 5³ ଅଛି, ହରଣ 5^-3/2 ଅଛି, =5^a+2 ଅଛି, ତ ବରହଗୁ ମିଫେ ଯଦି ଆମେ ପକେଇବି, ଆଗ ହରଣ କରିବି ନା, ବ୍ରାକେଟ୍ ନାହିଁ କି ଅଫ୍ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହରଣ ବଡ଼ମାସ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଡିଭିଜନ୍ଟା ଆଗ କରିଦେବା ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ତ 5^1×5^1/2×5^3 ହରଣ 5^-3/2, ତ ଗୁଣନ ବେଳେ କ'ଣ ଏଇଟା ମିଶିଯାଉଥିଲା, ହରଣ ବେଳେ ଫେଡ଼ି ହେଇଯିବ ନା, ଯେହେତୁ ଆଧାର ସେମ୍ ଅଛି, ତ 5^-3/2, ତ 3-3/2 ଯାହା +3/2 ସେଇଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି, ତ 3+3/2×5^a+2 ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ସବୁଟା ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, କେବଳ 3+3/2 ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା ମିଶାଇଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି, 2×3=6, 3×9/2, ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି କେତେ 9/2, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 5^1×5^1/2×5^9/2, ତ ତିନିଟା ଏକ ଆଧାର ସେମ୍ ଅଛି, ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, ତ ଆଧାର ଗୁଡ଼ା ଏ ଘାତ ଗୁଡ଼ା ମିଶିଯିବ, ତ 5^1 +1/2 +9/2 ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 5^a+2, ଭଗ୍ନାଶ ମିଶ୍ରଣ ମିଶାଇ ଦେବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ 1/2କୁ 9/2ରେ ମିଶାଇଲେ କେତେ 10/2 5, 5ରେ 1 ମିଶିଲେ 6, ଏଠି ଆସିଗଲା କେତେ 5^6=5^a+2, ତ ଆଧାର ଦୁଇଟାକୁ ସେମ୍ ହେଇଗଲା ଇକ୍ୱେସନ୍, ତ ଘାତ ଦୁଇଟାକୁ ସେମ୍ ହେଇଯିବ ନା, a+2=6, ଏ ଆମର ପଚାରିଛି, ତ ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 6-2=4, ହେଲା କାମ ଶେଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 18 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ତ ଆ ପାଇଁ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ରହିବା। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ
ସେ କହୁଛି ଆଠୁ ବଡ଼ କି ସାନ କି ଚିହ୍ନ ହେଇଥିବ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନେକର ଦୁଇର ହେଉଛି ଦୁଇ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତା ଭିତରୁ ବଡ଼ ପାଞ୍ଚ ନା, ତ ଆର ଯଦି ଆମକୁ ପାୱାର ନେବି 35, ଆର ଯେତିକି ପାୱାର ନେବି, ଆର ଯେତିକି 35 ପାୱାର ନେବି, ପାଞ୍ଚର ପାୱାର 35 ଆଠୁ ବଡ଼ ହେବ ଅବଭିୟସ୍ଲି, କାହିଁକି ନା ଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଆର ଯଦି ଆମକୁ 100 ପାୱାର ନେବି, ଆର 100 ପାୱାର ନେବି, ପାଞ୍ଚର 100 ପାୱାର ଆଠୁ ବଡ଼ ହେବ ଏଇଆ ତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଞ୍ଚର ପାୱାର ମୁଁ ନେଇଥିବି 96, ଦୁଇର ପାୱାର ନେଇଥିବି 135, ତମେ ଆଉ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କିଏ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ସେମ୍ ପାୱାର ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ସେମ୍ ପାୱାର ହେଲେ ସଦାବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ପାୱାରଟା ବଡ଼ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏରର ଯଦି ସେମ୍ ପାୱାର ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବଡ଼ ସାନର ବିଚାର କରିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କରିବା, ଏଇଠି ଅଛି କେତେ, 2^1/2 ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ କରୁଛୁ, 2^2 ମାନେ ଏଇଟା ଆଇ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଇର କ'ଣ ନା 3^1/3, 5^5ର 4th ରୁଟ୍ ମାନେ 1/4, 2^1/3। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା, ଇଣ୍ଡିସେସ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି 3, 4, 3, 2 ଅଛି, ତ ବେସିକାଲି 2, 3, 4 ଅଛି। ତମେ 2, 3, 4ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ଟାକୁ ନେଇଯିବ, 2, 3, 4ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ, ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଅଫ୍ 2, 3, 4 କେତେ, 12 ହେଉଛି ନା। ତ ଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାୱାର କମ୍ପଲସରି 12 ନେଇଯିବ, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ 2^1ର ଏହାର ପାୱାର 12, ଏହାର ପାୱାର 12, ଏହାର ପାୱାର 12, ଏହାର ପାୱାର 12, ତ କେତେ ହେଇଯାଉଛି, 2^1/2ର ପାୱାର 12 କେତେ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ ନା, 1/2 × 12, ତ 2^6 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 3^4 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 5^3, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ, 2^4। ତ ଏବେ ଭ୍ୟାଲୁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ, 2^6 = 64, 3^81, 5^125, 2ର କେତେ, 16। ତ ଏଇ 125ଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମାନେ 5ର ପାୱାରଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 5, ଏଇ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ଟା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ତ କେମିତି ବଡ଼ ସାନ ଚିହ୍ନିପାରିବ ଜାଣିଲ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ବି କରୁଛି। ତ ଅଛି କ'ଣ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଟା 4^1/3 ଅଛି, 6^1/4 ଅଛି, 15^1/6 ଅଛି, 245^4 କେତେ ଅଛି, 1/12 ଅଛି। ତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, 3, 4, 6, 12, 3, 4, 6, 12ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖିକୁ ଜଳ ଜଳ କରିକି, 12 ଏଲ୍ସିଏମ୍, ନହେଲେ ନିଜେ ବାହାର କରିଦେବ ନା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା। 3 ଗଲେ କେତେ ହେଉଛି, 3 × 4, 2, 4, 2 ଗଲେ ସେରା କ'ଣ ବାହାର କରିବ, 2, 1, 2, ତ 3 × 6, 2 × 12 ତାର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଯାଉଛି। ତ 12 ଏଇଟାର ସବୁଗୁଡ଼ାର ପାୱାର ଆମେ 12 ନେଇଯିବା, ତ ଆର ପାୱାର 12, କାହିଁକିନା ପାୱାର ନେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା କି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାୱାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ନେଇଯିବ। ତ 12 ନେଇଗଲି ଏଲ୍ସିଏମ୍ଟା, ତ ଏଇଟା ଏବେ କେତେ ହେଇଗଲା, 4ର ପାୱାର 4, 1/3ରେ 12 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ, 6^3, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 15^1/2, ସରି 15^2 ହେଇଯିବ, 245ରେ ଏଇଟା କେତେ, 1 ହେଇଯିବ। ଏବେ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ା ତମେ ଜାଣିଦେବ ନା, ତ 4ର 4 କେତେ, 4^16, 4ର 4, 4କୁ 4 ଥର ଗୁଣିଲେ 256, 6କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ 216, 15^2 କେତେ, 225, 245, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ କି, ବଡ଼ ହେଉଛି 256, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଯଦି ସାନ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ସାନ 216, 216 କି ସେକେଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ଆଉ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ତମେ ବଡ଼ ସାନ ଚିହ୍ନିପାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟସ୍ର କରିଦେବା ଚାଲ, √24 + √6, ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, √24 + √6 / √24 - √6, ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଇଭାଲୁଏଟ୍ ତୁମକୁ କରିବାକୁ କହିଥିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି କ'ଣ, ଉପରଟା ଯାହା ଥିବ ଆଗ ଲେଖିଦେବ, ତଳେ ଯେଉଁ √24 - √6 ନାହିଁ କି, ସେଇଟାକୁ ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଗୁଣିଦେବ, ମାନେ a - b × a + b ଫର୍ମୁଲା ତୁମକୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ √24 + √6 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ, ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ କରିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ, ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥାନ୍ତା ମାଇନସ୍ କରିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଟ୍ରିକ୍। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତୁମେ ଏଇଠି ଗୁଣିଲ, ଉପରେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁମ ଗଣିତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଛି। ତ ଉପରେ ହେଇଗଲା √24 + √6² / ଏଇଟା କେତେ, √24ର² a² - b² ନା, ତ √24ର² - √6ର², ତ କେତେ, 24 - 6 କେତେ ହେଇଗଲା, 18 ହେଇଗଲା ନା। ତ ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, √24ର² କେତେ, 24, a² + b² + 2, ଏବେ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଖାଲି ପକାଉଛି। ତ √6ର² କେତେ, 6 + 2 × √24 × √6, ମାନେ କ'ଣ, 2464 √2 / 18, ତ 24 × 6 = 30 +
दुई इंटु के 144 रूट ओवर के 12 बै 18 तो उपर के गला 12 दुगुणे 24 रे 30 मिसले के 54 54 तले अच्छे के 18 54 18 दुगुणे 3 तो आंसर है गला के वैल्यू 3 ऑप्शन रे जोटा 3 थिबो ताकु क्लिक करके पळे आसीबो 20 नंबर क्वेश्चन आ केतरा रहला 20 21 22 23 24 25 बाप रे 25 टा क्वेश्चन ठीक अच्छे गोटे क्लास रे सब सर जीवो तो यहाँ सेम यू इवैल्युएट कर तुम्हें कौन कर ना ये माइनस अच्छी यहाँ प्लस कर गुणीद 3√2 + 2√3 मल्टीप्लाय करद तो ये भी सी मल्टीप्लाय कर 3√2 + 2√3 तो यार स्क्वायर जनरली पड़े जाऊँगी यहाँ दु थर गुणीदा ना तो तार स्क्वायर पड़े जाऊँगी तले कौन हो तो आर स्क्वायरटा नहीं जावा उपर कहीं सेम जिनसा तो 3² × 9 × 2 = 18 डायरेक्ट लिखुची एटा एत लिख तो 3√2 स्क्वायर के 18 आस 2√3 स्क्वायर 4³ आटा को 2a भी करदे के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a तो 2³ × 12 = √6 तले आस ना 3√2 स्क्वायर माइनस 2√3 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा कथा तो 30 + 12√6 उपर रहा बै ये के 9 × 18 यहाँ 18 हम भैल्यू आर माइनस 4³ तो 18 - 12 तले आस है तो ऊपर मुझे 6 कमन नहीं जाऊँ के 5 + 2√6 5 + 2√6 तले अच्छे 6 कटि जाऊँ आ कौन बचीगला ना 5 + 2√6 सरीगला कथा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फाइंड स्क्वायर रूट अफ एति तो स्क्वायर रूट पचार देख मु 25 क्वेश्चन करुच सत कि 35 क्वेश्चन कर सारे गोटे टाइप क्वेश्चन 21 नंबर देख 4 खंडे केमी कर रूट स्क्वायर रूट बाहर कर तो 14 + 6√5 14 + 6√5 रूट ओवर केमती बाहर कर 14 + 6√5 टा तुम लिखिपर 2 × 3√5 आर रूट ओवर तो चौटी देख दू टू एटा रही गला 2ab तुम ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रे सदा बेले कन्वर्ट करिया चेष्टा कर तो 2ab तो 3टा को ए नहीं जी जो बीटा नहीं जी निजे निजे कैलकुलेशन करदे 3² 9 हो √5² 5 हो तो 9 को 5 मिसले 14 हो जाए तो कथ सरीगला तो 14टा मुझे लिखी के 3² + √5² + 2 × 3 × √5 यह लिखिपर तो ये पड़गला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ए भी 2ab तो 3 + √5 होल स्क्वायर एटा हो गला तार रूट ओवर आंसर हो गला के 3 + √5 गला कथा शेष आउट करिया ऑप्शन बी अच्छी आंसर ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ये भाया क्वेश्चन दे गोटे ट्रिकी क्वेश्चन तो देखिए 1/1 + √2 + 1/2 √2 + √3 √3 + √4 + ……. 1/√8 + √10 जाए लंबी तो कतना मझे स्टेप ओमिट करदे एमती परीक्षा मैं क्वेश्चन आर आई रोटे आसाला थर आर टू टे हार्ड आसाला तो रेडी ये क्वेश्चन तो ये 1टा को जो आम कौन लिखिपर 1टा को देखिए आम लिखिपर कि √2 + 1 × √2 - 1 किसी लिखिले भूल हम कहीं या अर्थ कौन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब पकईदेव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √2 / √2 - 1 / √1 तो 2 - 1 = 1 तो 1 जगह मुझे लिखिदे कौन ना √2 + 1 × √2 - 1 तले जहाँ अच्छे से लिखिदेवी ना √1 + √2 बा के √2 + 1 प्लस यही 1 जगह कौन लिखिपर मुझे लिखिपर √3 + √2 × √3 - √2 यह लिखिपर ना लिखिपर जो असुविधा अच्छे यार वैल्यू भी 1 नुहे कि √3² - √2² 1 हो तो तले जहाँ थी सी लिखिदे √3 + √2 प्लस ये 1टा जगह ये जो 1टा जगह कौन लिखिपर √4 + √3 × √4 - √3 बै √3 + √4 ये अच्छी आरटा कौन .. ये जोटा लास्टा यहाँ जगह मुझे कौन लिखी ना √9 + √8 - √9 - √8 यार वैल्यू भी 1 तो √9 + √8 देख मुझे करुँच ये √2 + 1 को ये कटि जाऊँगी ये कटि जाऊँगी तो ये बचुच्छी कौन फास्ट टर्म्रे बचुच्छी √2 - 1
सेकेंड टर्म बचु कौन ना रूट थ्री माइनस रूट टू, थर्ड टर्म बचुच्छे कौन ना रूट फोर माइनस रूट थ्री, प्लस लास्ट को बचुच्छ कौन ना डट डट मझे गुड़ा मुझे छाड़ दूसरी रूट नाइन माइनस रूट एट। तो गोटे कथा ये लक्ष्य कर देख रूट टू को ये रूट टू कटि जा रूट थ्री को ये रूट थ्री कटि जामी रूट फोर सब कटिज लास्ट टू कौन रास्ट टर्म तुमर ता या पूर्व टर्मटा कौन आस पूर्व टर्मटा यहाँ जो रूट नाइन माइनस रूट एट बचुच्छे रूट टू माइनस वन तो या पूर्व टर्मटा आस रूट एट माइनस रूट सेवेन ना तो रूट एट भी कटिज केवल ये रूट नाइन बचा सब कटिकुटा जीव यू माइनस वन बच्ची बचे के रूट नाइन बच माइनस वन प्लस रूट नाइन ये खाली बच सब कटिकुटा जीव तो माइनस वन प्लस थ्री के भैल्यू टू आस आंसर है आंसर टू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखा तो ये क्वेश्चन तुम कमी सल्व कर मुझे तुमको नॉर्मल मेथड कह तार डायरेक्ट कमी पार्टी आंसर कर तुमको सीएम कहीदे तो देख बार एमती जो नुह बार प्लस एम रुट ओवर देखो यहाँ डट 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 देखिए अप टू इनफिनिटी लिखिद कौन कर तुम गोटे बार नब बार प्लस आर गुडा को एक्स नहीं लेट बार इजुआल टू एक्स नहीं है लेटस्ट कनसीडर ट्वेल्व इजुआल टू एक्स तो बार प्लस एक्स रुट ओवर इजुआल टू एक्स कहीं भितर जो टर्मटा अच्छे यहाँ भी सैया ना ये भी सैया तो यहाँ सरुनि के तो एमती यू लिखिपर सजे कौन ना बार प्लस एक्स रुट ओवर इजुआल टू एक्स यू जब एक्स नहीं जाऊ ये भितर जो टर्मटा यहाँ भी सही टर्मटा तो यहीटा को आम डायरेक्ट लिखिपर बार प्लस एक्स रुट ओवर इजुआल टू एक्स तो जब यार स्क्वेयरिंग करदे बोथ सैड यार स्क्वेयर करदे यार स्क्वेयर करदे के बार प्लस एक्स रुट ओवर स्क्वेयर बार प्लस एक्स इजुआल टू एक्स स्क्वेयर तो कैसे हो इक्वेशन टाइम इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर एपट को पलैले माइनस हो माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व इजुआल टू जीरो तो यहाँ को आम फास्ट एंड लास्ट फर्मुला कर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो तो रही गले कमन एक्स इंटू एक्स माइनस फोर प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो एक्स इजुक्ल टू फोर और एक्स एक्स अर्थ कौन एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो किंबा एक्स प्लस थ्री इजुक्ल टू जीरो तो एक्स इजुक्ल टू फोर हो पार कि कौन होर माइनस थ्री हो पार एक्स इक्वल टू फोर हो पार कि माइनस थ्री हो पार तो जहाँ अप्सन आंसर थी सैया तुम पकई पार है सेमती जो यहाँ मुझे डायरेक्ट केमी कल जान लगा नोट करदे केमी इक्वेशन सल्व करी कि मुझे डायरेक्ट तुमको कहूँ देख बारटा जिते ये तुमको पचार क्वेश्चन तुम कर संख्याटा को दीटा क्रम संख्यार गुणफल हिसाब से आग परिप्रकाश करदेव है जमीक बारटा दीटा क्रम संख्या तीन आ चार गुणफल बार नुहे तीन आ चार गुणफल बार सेमती चार आँच रुणफल के कोड़े सेमती तीन आ चार गुणफल बार तो जो यहाँ प्लस चिन्ह थी तुम जानी था मन रखि था तुम कौन करना तीन आ चार गुणफल बारे प्रकाश कल जो बड़ संख्या चार तार है प्लस फोर सान संख्यार के माइनस थ्री आंसर हो प्लस फोर कि माइनस थ्री आंसर हे सेम देख नेक्स्ट सल्व करवा छर एमती सेम एटा प्लस चिन्ह दे तो छटा को आम कर दुईटा क्रम अनुजाई संख्यार गुणफल के दुई गुण तीन ना डायरेक्ट कर यहाँ कहीं एक्स नहीं कि फर्मुला बाहर कर किसी दरकार ना तो यहाँ को दुई गुणन तीन करदे बड़ संख्याटा तीन तो आंसर हम के ना प्लस थ्री किंबा सान संख्यार माइनस करदे प्लस थ्री कि माइनस टू ये देख माइनस केस्रे कौन करवा तीस माइनस तीस माइनस तीस माइनस एमती तो तीसटा दुईटा क्रम संख्या करदेव के पाँच गुणन छ तुम जाच तीस तो ये उल्टा हो सान संख्याटा हो प्लस प्लस फाइव आंसर हो बड़ संख्याटा हो माइनस उल्टा हो ये बड़ संख्या प्लस थी बेले बड़ संख्याटा प्लस करूल सानटा को माइनस करूल आंसर में ये सान संख्याटा को प्लस कर बड़टा को माइनस करमी जदि छपन दे था छपनटा कर कौन सात गुण न आठ प्लस दे था जदि छपन प्लस छपन रुट हो रही डट डट दे था प्लस दे बड़ संख्या होता आंसर आठ सान संख्या होता कौन माइनस सात जब माइनस दे था सान संख्याटा होता प्लस सात बड़ संख्याटा होता माइनस तो यह तुम डायरेक्ट आंसर कर मो कथा मन रख तो आग ताक दुईटा क्रम अनुजाई संख्यार गुणफल भाव में परिप्रकाश करी बड़ संख्याटा को प्लस नहीं जाव सान संख्याटा को माइनस नहीं जाव जितने प्लस थी सेमती माइनस थी बैस वर्षा करदे आंसर हो तो बेसिकली आम आज पावर इंडिसेस शॉर्ट्स सब कम सारीदे ये मोर दैन एनफ आठ किसी क्वेश्चन ही ना परीक्षार मुझ बहुत करदे कहीं
ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ ଆସିବ ସେତିକି ତ କଲି, ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା କାଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ତ ତାର କାମ ସରିଗଲା, ତ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦେଇଦିଅ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହଉ ହଉ ପହଞ୍ଚିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନ ଜଏନ୍ କରିନିଅ, ସେଇଠି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର PDF ପକେଇ ଦେଇଥିଲି କାଲି, ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ଭୋକାବ୍ର PDF ପକେଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ କାଲି ହେଉଛି OHSCAS ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ତାର କାଲି ମ୍ୟାଥ୍ର ଆନ୍ସର୍ କିଟା କରିବା, ତ ରେଡ଼ି ଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୁଡ଼ ବାଏ।